हेलो दोस्त, आरआरसी एनआर न्यू दिल्ली। 3rd DB आ चुकी थी कल। 4th DB के लिए लोगों को क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं डिटेल वीडियो बनाइए। तो देखिए, डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी कल ओवरव्यू जब DB आई थी तो बोल दिए थे, लेकिन एक और अपडेट आ गया है 1st DB और 2nd DB वाला का। पैनल के साथ साथ पैनल में स्टेटस अपडेट हो गया है, कौन सा डिवीज़न आपको मिला है, और डिवीज़न से 30 दिन में ज्वाइनिंग नहीं मिलता है तो आप कहाँ अपने डिवीज़न को रिपोर्ट कर सकते हैं। जोन को नहीं करना है, आरआरसी को नहीं करना है। लेवल 1 ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, और 4th DB में URSC ST EWS का कितना DB आएगा वो लमसम बात करेंगे। कट ऑफ का थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ ऑफिशियल जो दे दिया है उससे थोड़ा थोड़ा ही नीचे आएगा, और अगर आपको उसके आसपास कट ऑफ है तो वेट करना चाहिए, बाकी अगले कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। मैक्सिमम अभी यहाँ पे मिनिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, 300 से 500 सीटें अभी आने की उम्मीद है यहाँ पे। अभी तक इन्होंने करीब करीब 1500 सीट ले लिया है 2nd और 3rd DB में, तो एक अच्छा कदम है जो 10 से 15% है, जो अभी और बढ़ेगा। तो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे जाइएगा तो सबसे पहले DB वाला जो कैंडिडेट थे जिनका 1st 2nd DB में हुआ था उनके लिए स्टेटस जारी हो गया है, कहाँ उनको दिया गया है ज्वाइनिंग की प्रोसेस। हालांकि लॉन्ग टाइम हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ज्वाइनिंग की प्रोसेस वहाँ पे। लेकिन अगर 2nd DB और 1st DB की बात करेंगे तो 2nd DB में जितने कैंडिडेट को लिया था उसका डिटेल आपको पहले दिखा देता हूँ। तो 2nd DB में टोटल इन्होंने लिया था जो कैंडिडेटों का था वो 762 लिया था आपका, यहाँ पे 653 के आसपास है जो 3rd DB है, तो दोनों मिला दीजिएगा तो करीब करीब ये आपका पहुँच जाता है 1500 के आसपास। 2nd DB में 2 ही कम्युनिटी का कैंडिडेट नॉर्मल के लिए लिया था, UR का, जिसका 4 नंबर प्लस कट ऑफ कम हुआ था। AC का कुछ 0.3-0.4 कम हुआ था, इस बार भी कुछ कम हुआ है। PWD का 2nd DB में 129 कैंडिडेट को लिया था, इस बार नहीं लिया है। 2nd DB में अगर कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप की बात करेंगे तो यहाँ पर लिया था UR के लिए 686, 76 ST के लिए और 129 PWD का था। यानी यहाँ पे अगर 129 और 762 को जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या हो जाती है करीब करीब 800 इधर से, और कह सकते हैं करीब 900 से थोड़ा कम आ गया था, और इस बार 600 आ गया था, 9615 के प्लस में आ गया DB 652 में। 3rd DB में देखेंगे तो 3rd DB में आपका यहाँ डिटेल आ गया है। 3rd DB में टोटल कैंडिडेटों का जो लिया है इन्होंने 693 लिया है, और 700 हो गए करीब करीब, उसमें UR का 43, AC का 113, ST का 11, OBC का 441 और EWS का 35। अभी UR में बहुत कम कैंडिडेट बच गए हैं सारे क्वालिफाइड, लेकिन बाकी कम्युनिटी में बहुत हैं। तो AC का यहाँ 113 है, ST का यहाँ 61 है, और 76 पहले वाला जोड़ लीजिएगा तो 713, 136-137 करीब करीब ST कम्युनिटी के भी हो गए। OBC का हमेशा ज़्यादा रहता है और ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं क्वालिफाई में भी, PT में भी और रिटर्न में भी, वो भी दिख जाएगा। EWS में 35 है, उसका भी है। तो सारा चीज़ डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ कटअप भी दिख जाएगा कि किस कम्युनिटी का कितना कटअप कम हुआ है। तो UR और OBC अब लगभग लगभग बराबर हो गया, थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस है, वो लगता है नेक्स्ट DB में ख़त्म ही हो जाएगा। अभी OBC का भी तो और कुछ ना कुछ कम होगा तो वो सारी कंडीशन आ जाएगी। EWS ST का हुआ है। तीसरा लोगों का सवाल था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ है क्या, तो कम्युनिटी शिफ्टिंग यहाँ नहीं हुआ है, डायरेक्ट जो ऊपर से UR में क्वालिफाई था UR का ले गया, ST का वैसे ही लिया गया है, वो डिटेल है। अब 4th DB देखिए कब तक आएगा, इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन आपका 0.2 से लेकर 0.45 नंबर तक, यानी आपके आधा नंबर तक है, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए कि हमें हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अभी हो जाएगा। एक नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो फ्यूचर का बहुत लंबा सवाल है, क्योंकि 1st DB से 2nd DB में इन्होंने करीब करीब बहुत टाइम लिया, 2nd DB से 3rd DB में भी 10 मंथ का टाइम लिया है, तो 4th DB में कितना टाइम लेगा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, वेट, आपने PT क्वालिफाई किया है तो वेट करना चाहिए। और 4th DB का कटअप तो हमने इतना बात ही कर दिया, लमसम अभी करीब करीब 300 से 500 कैंडिडेट जरूर लेंगे ये, क्योंकि अभी रिप्लेसमेंट भी बचा हुआ है और भी बचा हुआ है। अगर 300 से 500 लेते हैं तो उसमें से आप ये छोड़ दीजिएगा कि करीब करीब 300 कैंडिडेट OBC वाले होंगे, बाकी आधी में सब हो जाएंगे, क्योंकि UR है नहीं, AC ST और EWS का है। हाँ, EWS कैंडिडेट का अभी भी बहुत कम लिया है, इस बार भी 35 ही लिया है, इसे और ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।